आपके पसंद के कड़ी चावल बनाए हैं, जल्दी आइए खाइए। कछुआ मेरे को तेरे को नहीं बुलाया लियो। आया आया। वैसे मौसा को कड़ी चावल बहुत पसंद है। ये भी कोई खाने की चीज है? हमको बिल्कुल पसंद नहीं है कड़ी चावल। और तुम लोग खड़े क्या? जाओ भाई घर जाओ अपने उधर। चलो चलो। फिर उदास हो गए? कभी कभी आदमी उदास भी हो जाता है मुकुंदी बाबू। अरे सुनिए तो, हम कह रहे हैं कैसे बनी है कड़ी? कड़ी तो पिताजी बनाते थे। दीदी तुमने बहुत अच्छी कड़ी बनाई है ना तुलिली? हाँ। तेरे को इसने पूछा कड़ी के बारे में? नहीं, हमने तो बस ऐसे बता दिया। ठीक है ठीक है, आप बताए समझे वाली बात है। अच्छा हाँ समझ गए, और चाहिए एलो। हाँ। खाइए, अब पता नहीं मुंबई में कहाँ खाते होंगे, कहाँ गटकते होंगे हैं? जब हम यहाँ से भेजे थे तब फरफराते बरगद के पेड़ थे, अब देखो सूखा बबूल हो गए हैं। वो भी कांटेदार। सुनिए तो, हम क्या कह रहे हैं, सुरीली के लिए जो लड़का देखे हैं, वो जो 5-50 हजार मांग रहे थे दान दहेज में, कुछ बोले नहीं, रिश्ता पक्का कर दे। सुरीली देखा उस बिच्छी के रंग में रंगी हुई चादर हुई जा रही है। हम तो कह रहे हैं चलिए जी लड़के वाले के पास चले जाते हैं, रिश्ता पक्का कर देते हैं, 2-5 हजार रुपए दे देते हैं, ताकि लड़के वालों को भी लगे लड़की के पिता मुंबई में कुछ हैं। हाँ चलेंगे चलेंगे। कल? नहीं कल नहीं, अब 2-3 दिन के बाद चलते हैं। मैं अभी कहाँ चल दिए? समझे वाली बात है। तुम समझ गए? हाँ हम तो समझ गए। हम कहे नहीं समझे। हे भगवान, सोचा था गांव में ढेर सारा पैसा लेकर वापस आएगा, ये नहीं सोचा था कि ये नौकरी से निकालने का लेटर लेकर वापस आना पड़ेगा। अभी मेरी बेटी का शादी का क्या होगा भगवान? मुकुंदी दुल्हन, इंदू, इंदू, कहाँ हुआ मौसी? अरे इंदू कहाँ जल्दी आ? इंदू कहाँ हुआ मौसी, ऐसे जल्दी आए काई हो? जैसे हड़बड़ाई छाप चुरन थाक ली हो। हड़बड़ाई छाप चुरन थाक ली हो? नहीं, हम वो लेने आए हैं। क्या लेने? वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वो जो होता है? क्या होता है? ऐसे पूछ रही हूँ, हम भूल गए हम कहाँ लेने आए थे। बात मौसी, जब से मौसा जी आए हैं उनके अलावा और कौन चीज दिखती ना ही तुमको? हाँ ऐसे नहीं, सबको भूल गई हो? ओ नहीं। अच्छा एक बात तो बताओ, कहाँ है मौसा जी? इतने सालों के बाद आए हैं, तुमने लिए कुछ भेंट भेंट लाए हैं कि नहीं? ये बात तो हमने सर में सरसराई ही नहीं। लाए होंगे? अरे ऐसे कैसे नहीं लाए होंगे, इतने सालों के बाद आए हैं, जरूर तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाए होंगे। हार लाए हैं? उपहार लाए होंगे मौसी। नहीं बेटा, लाए होते तो दिए होते, 2-3 हो गए उन्हें आए। अरे नहीं, हमको पता है मौसी, मौसा जी तुमका ऊ देना चाहते हो। सर का पिराइस कहता जो कि पापा हमारे लिए कुछ लाते हैं ना बिना बताए छुप छुपा के, और अचानक दे देते हैं ना, और हम ऐसा करते हैं ना, उनका सर प्राइस कहते हैं। अरे मौसी जी की अटैची देख लो, उसमें कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए जरूर रखा होगा। हम अभी जाके उनका बक्सा खड़खड़ाते हैं। मौसी रुको ना, बात करो, छोड़ो। इंदु कह रही थी उका कहते हैं सचमुच बोला है। क्या बात हुई, सचमुच कुछ नहीं लाए हैं? हाँ
खाली हाथ आ गए हैं। हो सकता है जल्दी जल्दी में समय ना मिला हो। ये आ गए हैं, इससे बड़ा उपहार कहाँ हो सकता है। पता नहीं मौसा, हमने निश्चय किया है कि लापता गंज में गणेश उत्सव का त्योहार मनाना ही चाहिए। अरे वाह, इस तरह से इस देश की संस्कृति एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसे घुल मिल जाएगी जैसे दूध में बताशा, और पूरा देश हर त्योहार हर पर्व बहुत धूमधाम से मनाएगा। मुकुंदी बाबू का तो कमाल का विचार होता है, लेकिन गणपति बैठाने का कोई विरोध कर रहा है क्या? तो बैठाएंगे गणपति, क्यों पता नहीं। अरे वाह वाह वाह, क्या बोल रहे हैं आप लोग। इसका मतलब देखो, कल अपन गणेश जी का इस लापतागंज में ऐसा वेलकम करेंगे, ऐसा वेलकम करेंगे जैसे कि समझो एकदम एकदम छक्का है ना जीजा। मौसा, तुम गणेश भगवान जी के भेजे हुए दूत होंगे जो हमारे लापतागंज में मुंबई से अपने साथ गणेश जी का पवित्र त्योहार लाए होंगे। लेकिन मौसा जी, अब ये बताइए कि करना क्या है। अभी ना अपने गणेश जी का फेस्टिवल के लिए वर्गनी इकट्ठा करने का। वर्गनी? वर्गनी मतलब चंदा। चंदा? अरे चंदा तो पिताजी इकट्ठा किया करते थे। हम करेंगे। अरे मौसा जी, पापा कसम, हमसे गलती हो गई। पहला चंदा हम देंगे, हमें माफ कर दीजिए और अपना दिल साफ कर दीजिए। पहला चंदा भैया का और दूसरा हमारा। तीसरा हमारा। अरे भाई वाह, लापतागंज में गणपति उत्सव के लिए सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में कौन कह सकता है कि ये त्योहार किसी एक राज्य का है। चलो भाई, सब मिलकर चंदा इकट्ठा करो और फिर सब जाएंगे लंबोदर गजानन महाराज की प्रतिमा लेने। अब इसी बात पे सब लोग बोलो गणपति बाप्पा। मोरिया बोलते हैं मुंबई में, क्या बोलते हैं? गणपति बाप्पा मोरिया बोलते हैं। मोरिया मतलब गणपति जी के आने से खुशी के मोर नाच उठेंगे, इसलिए गणपति बाप्पा मोरिया। अभी सब बोलो गणपति बाप्पा। बन गया देखो। हाँ माया हो? हाँ बेटा। माया हो? ये आया। ए बाबा, अभी आ रहे होंगे गणेश जी। हाँ, ये हो गया।
गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। भाइयों, गणेश जी लापतागंज में आ चुके हैं और अब यहाँ 10 दिन रहेंगे और हम सबको बारी बारी से उनकी आराधना करने का मौका मिलेगा, जिसका लाभ पूरा लापतागंज उठाएगा। रियली? अरे लाभ तो पिताजी उठाया करते थे। देखो गांव वालों, हमारे जीजा के आने से कितना अच्छा त्योहार मुंबई से चलकर लापतागंज आया है ना दीदी। हाँ छोटू, आखिर पति किसका है मौसी? किसका है? बकलोली कर रहा। अरे बकलोली तो पिताजी किया करते थे। सुनो भाई लोग, अभी मैं क्या बोलता सबको, लापतागंज में अपना गणेश बाप्पा आ गए, 10 दिन इधर ही रहेंगे। अभी जो कुछ किसी की भी समस्या में से होंगे नहीं, सब सिलेट जाएंगे। मौसा सिलेट की बात कर रहे हैंगे, क्योंकि स्कूल खोलना चाहते हैंगे। ऐसा है अलीजा, तुम अपने कपड़ों को नाप लो गुरु, मौसा जी की भाषा का नाप लेने की जरूरत नहीं है। मौसा जी आप टेंशन मत लीजिए हमको, हम आपकी भाषा समझ में आ रही है, आपके कहने का मतलब है सुरीली। ए, चुप करो, सुरीली का नाम मत लो। अरे यार, यहाँ पूरी बात कंप्लीट नहीं करने देती है, कैंची चला देती है। हमारे कहने का मतलब ये है कि मौसा जी की आवाज और भाषा जो एकदम सुरीली है। हाँ भैया, पूरे लापतागंज में काफी है जो मौसा को सही से समझते हैं, और मौसा भी तुम्हें सही से समझते हैं। चुप रहो और ये सुनो कि जीजा क्या कह रहे हैं। पेले गेले पेले अपुन। सुनो, अभी मैं तुम लोगों को मुंबई का रिवाज बताता हूँ। उधर क्या करते हैं, हम लोग 10 दिन पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और 10वें दिन उनको समुन्द्र में या पानी में डुबो देते हैं, मतलब उनको विसर्जित करते हैं। भाई जहाँ तक हमें पता है, पूरे महाराष्ट्र में ये परंपरा है कि अंतिम दिन गणपति जी का विसर्जन किया जाता है, लेकिन विसर्जन से पूर्व सब भक्तजन ये प्रार्थना करते हैं कि अगले साल भी वो जल्दी आए। और गणपति जी की इसी प्रतीक्षा में वो अपना पूरा साल बिता देते हैं। अच्छा, जैसे दीदी जीजा की प्रतीक्षा में पूरा साल बिता देती ये बात। हाँ, लेकिन मौसा हर साल आते कहाँ हैं? अबे सुरीली हमको प्यार से बुलाती है, हम जलेबी लिए चले आते, वैसे मौसी नहीं बुलाती हूँ। प्यार से चुप करो, फिर से सुरीली का नाम लिया है, चुप करो। अरे भाई माफ कर दीजिए, गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। अच्छा सुनो सुनो भाई लोग, सुनो मेरी बात। हाँ। अभी अपन 10 दिन पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उसके बाद लास्ट दिन जो विसर्जन के पहले का आरती होएगा ना, उसमें अपने दिल में जो मुराद होंगी वो मांग लेने की। गणपति बप्पा किसी को निराश नहीं करते, सबकी मांग पूरी करते हैं। सच? हाँ, गणपति बप्पा। अबे गुड्डू, पापा कसम हमने डिसाइड कर लिया है कि हम गणपति पप्पा से क्या मांगेंगे। क्या भैया? अरे देंगे लप्पड़, सुरीली को मांगेंगे, और क्या मांगेंगे, क्योंकि उससे बढ़कर हमारे लिए कोई खुशी नहीं है बे। वैसे गुड्डू तुम क्या मांगोगे? हम गणपति जी से यही मांगेंगे कि आपको सुरीली भाभी मिल जाए। रियली? लेकिन अपने लिए क्या मांगोगे बे? भैया अपने लिए तो मांग रहे हैं, आपको सुरीली भाभी मिल जाएंगी तो आप खुश होगे, और आप खुश होगे तो हम खुश होंगे भैया। पापा कसम गुड्डू, क्या दोस्त हो यार, इसको कहते हैं दोस्ती। आओ गले मिले भैया। हाय हाय, दोस्तों तो ऐसा हो, अब छोड़ दो, बहुत ज्यादा गले मिल लियो। चलिए भैया, गणेश जी की झांकी हम खुद सजाएंगे, अपने हाथों से साफ सफाई करेंगे। हाँ। सुरीली, सुरीली बेटा तेरे आंख में आंसू, क्या बात है? बेटा सुरीली क्या हो, बताओ। ये तेरे पास सुरीली, सुरीली सुन, क्या बात है, हमें कोई बताए, कहा लिखा है कागज में है? तुम चुप रहने का क्या, हम उसको समझाएंगे। आए देखो जी, आप तार भेजे, अगले दिन अचानक आ गए, जरूर कोई बात है, आपको हमारी कसम है, बताओ क्या बात है मिस्त्री। हाँ। इस कागज पे लिखेला है कि आप उनको नौकरी से निकाल दिया है। हाँ मिस्त्री, मेरी नौकरी चली गई, जिस सेठ के पास ईमानदारी से इतने साल से काम किया, वो बस एक शक लेकर कि उसके ऑफिस से मैंने घड़ी चुराया बोल के मेरे को नौकरी से निकाल दिया, जबकि ये काम उसके असिस्टेंट का था, मेरे को मालूम। इतने साल ईमानदारी से काम करके इल्जाम, यही नाम है घर से दूर रह के, सुरीली से दूर रह के, हमसे दूर रह के,
नहीं देते। लापतागंज वाले ऐसे काम कभी नहीं करेंगे। आप तो पुलिस वाले हाँ, चौकीदारी नहीं करते, जाके पता कहा नहीं देते। नहीं मिश्री, मैं पुलिस वाला नहीं हूं, मैं चौकीदारी हूं। चौकीदारी करनी थी तो मुंबई जाने की क्या जरूरत थी है? यहीं कुछ कर लेते हैं। अगर यहाँ कुछ करने के लिए मेरे पास होता तो मैं काहे को मुंबई चला जाता। मैं उधर गया सोच के कि एक छोटी सी नौकरी करेगा, चार पैसा कमाएगा और पैसा लेकर इधर आके अपनी बेटी सुरीली की शादी धूमधाम से करेगा। तुमको क्या लगता है तुम लोगों का मेरे को याद नहीं आता है उधर? अरे बहुत याद आता है, बहुत इधर आने को दिल करता है, लेकिन फिर मैं सोचता है इधर आने का मतलब सब लोग के वास्ते कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा, जाने आने का किराया भाड़ा पड़ेगा। तो मैं सोचता है इतना पैसा वेस्ट करने से क्या मतलब, तो वो सारा पैसा मैं तुम लोगों को भेज देता हूँ, तुम लोगों को काम आएगा। अरे हर कोई तीज त्योहार को कोई होली मनाता है, कोई दिवाली मनाता है, हमारे दिल पे क्या गुजरती है तुम नहीं जानेगा। नौकरी चले जाने की बात हमें बताया का है नहीं? अरे काय को बताता तुम लोगों को, काय को तकलीफ देता? लेकिन देखो मेरा किस्मत खराब, ये बात खुल गया अभी, लेकिन गांव वाले को किसी को नहीं बताने का, ये प्रॉमिस। तू सुरीली की शादी का फिक्र मत करना, मैं फिर काम करेगा, मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा और एक एक पैसा जोड़ के सुरीली का शादी धूमधाम से करेगा। मेरा गणपति बापा पे विश्वास है, गणपति बापा सबका अच्छा करता है, सबका अच्छा करता है वो।